सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रोता तीन प्रकार के बताए वैसे भागवत जी में, एक सोता, एक श्रोता और एक सरोता। तो मैं ऐसे समझता हूं कि जिनको भागवत जी में नींद भी आ जाए ये भी बड़े पुण्य का फल है। तो सोता बुरा नहीं है और सरोता भी बुरा नहीं है। वो थोड़ी बहुत काट छांट करता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे बताते हैं कि निरंकार ही सब कुछ है। ये बता रहे हैं कि साकार सगुण श्री कृष्ण सब कुछ है, वो सरोता है। लेकिन श्रोता वो है जो एकदम अपने को खाली कर दिया है पूरा, जो जितना भरा था ना पुराना खरपतवार। अब देखते हैं जब बरसात होती है तो अनेक प्रकार की जड़ी रूखड़ी कांटे वाली ऐसी जहरीली अनेक प्रकार की रूखड़ी धरती में उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पहले क्या करता है किसान, उसकी गुड़ाई करता है। तो जितना भी खरपतवार उत्पन्न हुआ है वो सब नष्ट किया जाए और फिर नया बीज रोपण किया जाए। तो फिर उस नया बीज जो रोपण किया जाता है तो ये श्रोता है जिसने अपने अंतःकरण के जितनी भी मान्यताएं थी वो सारी मान्यताओं को समाप्त कर दिया है। अब नूतन सतगुरु का नूतन ज्ञान अपने जीवन में स्वीकार करके अब नूतन तरीके से ठाकुर जी की आराधना में, ठाकुर जी की साधना में अब संलग्न होना चाहता है।